तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं वीवो V23e का रिव्यू करने जा रहा हूँ। रैम जो है 8 GB रैम है, और बैटरी की बात की जाए तो 4050 mAh बैटरी है। और अगर कैमरा की बात हो तो कैमरा हमारे पास 64 MP कैमरा है, ये आप देख सकते हैं। ट्रिपल कैमरा है हमारे पास जो कि 64 MP है। फोन लुक वाइज और कलर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत कंडीशन में बनाया गया है ये फ़ोन। बॉडी डायमेंशन जो है वो 160.9 है, और सिम की बात की जाए तो हाइब्रिड डुअल सिम है जो नैनो सिम और डुअल स्टैंड बाई है। और इसकी बात हो तो एंड्रॉयड 11 फ्रंट टच 12 है, और चिपसीट की बात हो तो मीडिया टिक MT6781 हेलो G96 है। और अगर स्पीकर की बात की जाए तो हमारे पास हाई लाउड स्पीकर है, 3.5 mm जैक है। और अगर सीपीयू की बात की जाए तो ऑक्टो कोर 2x2 GHz सीपीयू है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले टाइप जो है वो एमोलेड डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की साइज़ हो तो डिस्प्ले की साइज़ जो है वो 6.44 इंचेस है जो कि 100.1 cm है। 83.8 स्क्रीन टू बॉडी रेटियो है। और अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2400 है जो कि 20:20.9 रेटियो है, 409 PPI डेंसिटी है। और ये आप फ़ोन का स्मूथनेस चेक कर सकते हैं जो बहुत फास्ट है। और अगर मेमोरी कार्ड की बात हो तो इसमें माइक्रो SDXC यूजर शेयर्ड सिम स्लॉट लगता है। और अगर इंटरनल मेमोरी की बात हो तो ये 128 GB है, 128 में भी आता है और 256 GB में भी आता है, लेकिन रैम इसका फिक्स है, 8 GB रैम इसका होता है। तो ये आप देख सकते हैं रैम आगे आपके सामने 8 GB रैम है, इंटरनल रैम जो है। और ये हमारा फ़ोन जो है ये 128 GB है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये आ गए बैक की तरफ। और अगर टेक्नोलॉजी की बात हो तो GSM, SDMA एंड HSPA 4G LTE तक पहुंच सकता है। तो आगे बैटरी की तरफ। बैटरी जो है हमारे पास 4050 mAh बैटरी है जो कि 44 वाट पे है। और अगर चार्जिंग की स्पीड की बात की जाए तो 69 in 30 मिनट्स है। तो ये फ़ोन आपके सामने है। अब आते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में। ये देख सकते हैं डिवाइस जो है वीवो V23e है आपके सामने। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंडीशन है। ये देखते हैं आप प्रोसेसर देख रहे हैं, ये देखिए प्रोसेसर 2.05 GHz ऑक्टा कोर है। रैम देखें 8 GB रैम है, +4 है। एंड्रॉयड 13 है, ये देख लें 128 GB स्टोरेज है फ़ोन का। सॉफ्टवेयर मिशन वगैरह स्टेटस वगैरह सब कुछ है, आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। फीचर्स की बात की जाए तो सेंसर में हमारे पास फिंगरप्रिंट है जो अंडर डिस्प्ले है, ऑप्टिकल है, एलेस्ट्रोमीटर है, ज्योमेट्री है, प्रॉक्सिमिटी है, और कैंपस है हमारे पास। अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी में हमारे पास स्क्रीन लॉक आ गया, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक आ गया। हम आते हैं फिंगरप्रिंट की तरफ। तो अभी फिंगरप्रिंट आपको शो करने जा रहा हूँ कि कितना फास्ट फिंगरप्रिंट है डिस्प्ले का। तो आगे फिंगरप्रिंट पे ये आगे फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न। तो आगे इस पर अब एल इजी कोड लगाते हैं कि इजी यूज़ कर सके। तो ये फिर दोबारा एल डाल रहे हैं, ओके कंफर्म। तो अभी फिंगरप्रिंट लगाएंगे, फिंगरप्रिंट का पता चल जाएगा कि कितना स्मूथ एंड फास्ट फिंगरप्रिंट है फ़ोन का। तो जैसे सेट अप योर फिंगरप्रिंट, तो यहाँ आप फिंगरप्रिंट सेट करेंगे, स्टार्ट हो गए हम सब इसका हैवरी डिस्प्ले रजिस्टर्ड एग्री। तो ये हमने एग्री कर दिया, आप देख सकते हैं प्लेस योर फिंगर। तो अभी हमें फिंगर पुट करूँगा, ये आपके सामने जो कॉल आ रहा है ये देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्मूथली रिसीव कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, फास्ट बहुत ज़्यादा। वरना डिस्प्ले फिंगर जो होता है वो स्लो होता है बनिस्बत के जो साइड फिंगर्स हो या बैक फिंगर्स हो। तो ये देखिए ये होने वाले बस थोड़ा सा रह गया है और ये बस हो गया। तो अभी इसका फिंगरप्रिंट आपको दिखाने जाऊँ कि इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। तो अभी फिंगरप्रिंट के बारे की तरफ आते हैं। तो ये देख ले आप कि फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। तो देखिए टच कर लिया, लाइट टच एंड ओपन। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज़्यादा इसका स्मूथ और फास्ट है, ये आप देख लें। अगेन मैं अब फिर से ट्राई करूँगा, फिर से आप देख लें कि कितना ज़्यादा स्मूथ है। लाइट सा टच पे मतलब ओपन होता है, और फ़ोन का स्पीड भी आप देख सकते कि बहुत ज़्यादा स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इसका कलर और कंडीशन जो लुक वाइज से फ़ोन बहुत पसंद आ गया मुझे। तो ये आपने देख लिया। अब आते कैमरे की तरफ। आपको मैं कैमरा इसका शो करने जा रहा हूँ कि इसका कैमरे की क्वालिटी कैसी है।
तो हमारे पास मेन कैमरा जो है वो ट्रिपल कैमरा है जो कि 64 मेगापिक्सल है, 1.8F 26 mm है, और दूसरा कैमरा जो है सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल है जो कि F2.2 है हमारे पास, जो कि 16 mm है, अल्ट्रा वाइड है। और अगर थर्ड कैमरे की बात की जाए तो 2 मेगापिक्सल है तीसरा कैमरा जो है, वो है माइक्रो। तो ये आप देख सकते हैं मतलब जूम में भी क्या कंडीशन क्या लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी ख़राब ही नहीं हो रही। तो ये आपके सामने है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो डुअल एलईडी डुअल टून फ्लैश है और HDR पनोरमा है। वीडियो की बात की जाए तो 4K 30 FPS और 1080 पिक्सल 2 30 FPS तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे ब्लर क्वालिटी, ब्लर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ ब्लर है, मतलब फोकस आप देख ले, कपड़ों का फेस का फोकस, हेयर का फोकस आप देख ले, बिल्कुल क्लीन है और बैक साइड बिल्कुल ब्लर है। तो कैमरा वाइज तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जस्ट लाइक अ DSLR और आईफोन, बहुत अच्छा कंडीशन है आपके सामने बिल्कुल। मतलब मुझे तो कैमरा वाइज लुक वाइज ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, लाइट वेट है। तो ये आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट की कंडीशन। अब आते हैं सेल्फ़ी की तरफ। सेल्फ़ी कैमरा जो है हमारे पास सिंगल सेल्फ़ी कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा है जो F2.0 वाइड है। फीचर्स की बात की जाए तो फ्रंट सेल्फ़ी HDR है, फ्रंट वीडियो की बात की जाए, फ्रंट वीडियो सेल्फ़ी की बात की जाए तो 4K 30 FPS है, 1080 पिक्सल एंड 30 FPS तक की आप यूज़ कर सकते हैं इसका सेल्फ़ी। ये अब आ गया हम पोर्ट्रेट मोड पे। आप इसका फ्रंट पोर्ट्रेट सेल्फ़ी पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड आप देख ले बिल्कुल क्लीन है, मतलब ब्लर है। तो ये रहा फ़ोन। और अगर फ़ोन की वेट की बात की जाए तो वो है हमारे पास 172 ग्राम वेट है। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं।